हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक करैक्टर्स ऑफ एस्केल्मेंथीस, या जिसको हम निमाटोडा के नाम से भी जानते हैं या निमाथेल्मेंथीस के नाम से भी जानते हैं। इंट्रोडक्शन पे अगर हम इसके देखें, इस फाइलम का है क्या, ये इस मेंबर का बेसिक करैक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं कि इस फाइलम के अंदर जो भी मेंबर्स आते हैं वो कैसे होते हैं, अनसेगमेंट, ठीक है। जैसे आप इस डायग्राम पे देख सकते हो, किसी भी तरह की आपको सेगमेंटेशन इसके ऊपर नज़र नहीं आएगी, इसलिए इनकी बॉडी कैसी होगी, अनसेगमेंटेड होगी। ट्रिपलोब्लास्टिक मतलब कि इस पर तीन तरह की जर्म लेयर्स जो होंगी वो इन्वॉल्व होगी बॉडी फॉर्मेशन के लिए। सीडोसिलोमिक, सीडोसिलोमिक मतलब कि जो इनके अंदर सिलोम की फॉर्मेशन होनी चाहिए वो पूरी तरह से ट्रू नहीं होगी, वो फॉल्स होगी। सिलेंड्रिकल इनकी शेप होगी, या आप कह सकते हो थ्रेड लाइक वॉर्म्स होंगे, बिल्कुल थिन के होंगे ये वॉर्म्स होंगे, ठीक है। और इनकी बॉडी को कवर करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट होगी बॉडी वॉल, और बॉडी वॉल किस से बनी होगी, आउटर वाली लेयर होगी इनकी क्यूटिकल की, जो काफ़ी थिक होगी, जिनको काफ़ी आप कह सकते हो कि हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट करेगी। देन क्यूटिकल के नीचे क्या प्रेजेंट होगा, इसका एपिडर्मिस। आप ये कह सकते हो कि जो इनकी बॉडी वॉल है वो क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस से क्या होगी, बनी होगी। देन इस फाइलम के ऊपर थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है, अलग अलग जोलॉजिस्ट के अलग अलग व्यूज़ हैं। जो हाइमन थे जोलॉजिस्ट, उन्होंने इस फाइलम एस्केल्मेंथीस को कहा था कि ये एक अलग फाइलम है, और इसके अंदर जो ग्रुप्स आ रहे हैं उसको उसने कंसिडर किया था कि बाकी सब उसकी क्या है, क्लासेस। ऐसा क्यों हो रहा है इस फाइलम के अंदर, क्योंकि इस फाइलम के अंदर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और ये भी अज्यूम किया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे जो ये फाइलम है, ये आर्थ्रोपोडा जो अभी तक सबसे लार्जेस्ट फाइलम है इन्वर्टिब्रेट्स का, उसको क्या कर देगा, ये क्रॉस कर देगा, ठीक है। हाइमन ने कहा था कि हम एस्केल्मेंथीस को कंसिडर करेंगे एज ए अलग फाइलम, और बाकी जो इसके आप कह सकते हो ग्रुप्स होंगे उसको हम कंसिडर करेंगे एज ए क्लासेस, ठीक है। बट उसके बाद जो अदर जोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा नहीं, हम एस्केल्मेंथीस को कंसिडर करेंगे एज ए सुपर फाइलम की तरह, और बाकी जो इसके ग्रुप्स हैं उसको हम क्लासेस नहीं, हम उसके अंदर क्या है कंसिडर करेंगे उनको फाइला की तरह, जिसपे उसमें आ जाते हैं रोटीफेरा आ जाएंगे, गैस्ट्रोट्राइका हो गया, किनोराइका हो गया, निमेटोमॉर्फ हो गया, निमेटोडा हो गया। और इन फाइला में से जो सबसे बड़ा फाइलम आता है इसके अंदर, सुपर फाइलम के अंदर, वो कौन सा है, निमेटोडा, ठीक है। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी को हम आप कह सकते हो कि जो जैसे इनकी वॉर्म्स या इनके मेंबर्स को हम थ्रेड वॉर्म, हमने पहले भी कहा कि वो काफ़ी थिन होती हैं, और राउंड वॉर्म के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। देन अगर हम इनके करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, और फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स जैसे इनका हैबिटेट, तो जितने भी इनके मेंबर्स हैं वो होते हैं फ्री लिविंग और पैरासिटिक इन नेचर, मतलब वो फ्री लिविंग, किसी के साथ कोई एसोसिएशन पे नहीं मिलेंगे, फ्रीली इन्वायरमेंट में मिलेंगे, और पैरासिटिक नेचर भी मिलेंगे, ठीक है। अगर फ्री लिविंग फॉर्म इनकी होगी तो वो हमें कहाँ कहाँ मिल सकती है, वो हमें मैरीन वाटर में मिल सकती है, फ्रेश वाटर में मिल सकती है, इवन टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स पे भी आपको मिल सकती है, ठीक है। और ये अज्यूम किया जाता है कि वर्ल्ड का कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है, या कोई ऐसा हैबिटेट नहीं है जहाँ पे आपको निमेटोड का कोई भी आप कह सकते हो मेंबर ना मिले। इट मींस कि ये काफ़ी वाइड और कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है, एवरी हैबिटेट पे आपको कोई ना कोई इसका सिंगल मेंबर आपको इनका मिल सकता है, ठीक है। और इनके एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये रहती है कि अगर ये टेरिस्ट्रियल कंडीशन पे रहेंगे तो कभी भी ये बिल्कुल ड्राई कंडीशन पे नहीं रह सकते, इनको एक थिन फिल्म ऑफ वाटर, मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर इनको ज़रूरी होना चाहिए उसके पास, तभी जो वहाँ पे ये क्या कर सकेंगे, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो होंगे पैरासिटिक इन नेचर में, तो पैरासिटिक नेचर पे ये प्लांट्स पे भी अटैक कर सकते हैं, एज वेल एज एनिमल्स को भी क्या कर सकते हैं, ये अटैक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनके फ्री लिविंग स्पीशीज़ की बात करें, जो इनकी फ्री लिविंग स्पीशीज़ हैं वो मोस्टली होती है इनकी कैसी, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब काफ़ी स्मॉल साइज, आप कह सकते हैं माइक्रॉन्स में वो प्रेजेंट होगा, उनका साइज़ अगर हम एवरेज में लें तो नियर अबाउट
आप कह सकते हो कि एमएम में इसका क्या होगा, साइज होगा, ठीक है। अगर हम पैरासिटिक फॉर्म्स की बात करें तो उनकी काफ़ी लार्जर इन साइज होंगे, जिनको हम नेक्ड आई से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बॉडी शेप या साइज की बात करें तो बॉडी इनका कैसे होगा, आप कह सकते हो इलॉन्गेटेड होगी, जैसे आप इस डाइग्राम पे भी देख सकते हैं इसकी बॉडी बिल्कुल कैसे है, वो इलॉन्गेटेड है, एज वेल एज कैसे होगी, सिलेंड्रिकल इन नेचर, ठीक है। जो निमेटोड्स है इनका एक करेक्टरिस्टिक ये भी रहता है कि हर एक स्पीशीज़ का अपना ही स्पेसिफिक क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। मतलब हर एक स्पीशीज़ का जो उनके बॉडी का नंबर होगा सेल्स का, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, और इसके बेसिस पे भी हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, या हम इसको आइडेंटिफिकेशन पे भी यूज़ करते हैं जब हम इसकी मॉलिकुलर क्या करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। बॉडी वॉल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो इनकी बॉडी वॉल है वो क्यूटिकल और एपिडर्मिस से बनी होगी, और एपिडर्मिस से नीचे इनके प्रेजेंट होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जो इनके आप कह सकते हो कि लोकोमोशन पे भी हेल्प करते हैं, बॉडी कंट्रैक्शन पे भी। सर्कुलर मसल्स इन पे पूरी तरह से क्या रहेंगे, अब्सेंट रहेंगे, ठीक है। देन ये कैसे होते हैं, ट्रिपल वेलोसिटी के नेचर, मतलब इस पे तीनों तरह की जर्म लेयर जो होंगी वो इन्वॉल्व होंगी, जिसपे एक्टोडर्म, एंडोडर्म एज वेल एज मेसोडर्म क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होगी, मतलब इनको हम दो साइड्स में, लेफ्ट या राइट में, हम इक्वल हाफ पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और जो इनके पास जो सिस्टम होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, वो कौन सा होगा, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन ट्रियोसिलोमिस अब्सेंट, जैसे हमने इसकी डेफिनेशन पे भी कहा था कि जो निमेटोड्स हैं या इसके जो मेंबर्स हैं उनके पास ट्रियोसिलोम प्रेजेंट नहीं होगा। व्हाट इज सिलोम, सिलोम हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये आपकी एक हॉलो कैविटी या हॉलो स्पेस होती है, किसके बीच पे, बॉडी वॉल प्लस जो इंटरनल ऑर्गन्स के बीच पे। अब उसकी सिलोम की फॉर्मेशन मोस्टली हम कहते हैं होती है किससे, जब वहाँ पे मेसोडर्म प्रेजेंट हो। यहाँ पे मेसोडर्म तो प्रेजेंट है, बट वो आप कह सकते हो कि दोनों साइड से बॉडी कैविटी को लाइन नहीं करती, इसलिए इसकी कंडीशन पे जो सिलोम होगा वो कैसा होगा, सीडो सिलोम होगा, ठीक है। मतलब ये कह सकते हो कि ट्रू सिलोम हम उसको कहेंगे कि जिसकी आप कह सकते हो हॉलो स्पेस की कैविटी पे मेसोडर्म की क्या हो, लाइनिंग हो, बट इसके कंडीशन पे मेसोडर्म तो प्रेजेंट है बट वो सिलोम को लाइन पूरी तरह से नहीं करता, इसलिए वो ट्रियोसिलोम नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, सीडोसिलोम या फॉल्स सिलोम, ठीक है। आगे हमने कहा भी है कि इट इज़ नॉट लाइन बाय मेसोडर्मल, ठीक है, ये मेसोडर्म से इसका सिलोम लाइन नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सीडोसिलोम, ठीक है। और इस सीडोसिलोम के अंदर प्रेजेंट होता है इसका सीडोसिलोमिक फ्लूड, जो एक्ट करता है ऐसे हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन की तरह, और ये हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन इनकी आप कह सकते हो कि सर्कुलेशन पे भी क्या करता है, वो हेल्प करता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल इनका आप कह सकते हो, या डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट रहेगा, कंप्लीट इन द सेंस कि इनके पास एक माउथ ओपनिंग भी प्रेजेंट होगी और इनके पास एनस या एनल ओपनिंग भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। हमने पहले भी कहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट वो होगा जिसके पास एक ही माउथ ओपनिंग प्रेजेंट होगी, जो फूड इनटेक और वेस्ट को बाहर, जो आप कह सकते हो एनल ओपनिंग की तरह क्या करेगी, एक्ट करेगी। और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट वो होगा जिसपे दो डिफरेंट ओपनिंग प्रेजेंट होगी, फूड इनटेक के लिए अलग से होगी, और जो वेस्ट मटेरियल है वो एनल ओपनिंग से क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है। तो इनके कंडीशन पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रेट ट्यूब रहेगी, या आप देख सकते हो जितना भी ये पार्ट है ये सारा इसका कौन सा आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट ट्यूब है, जो किससे कंपराइज करिए, एंटीरियर में प्रेजेंट होता है इनका माउथ, माउथ फॉलोड बाय क्या होता है, फेरिंग्स रीजन, फेरिंग्स इनका काफ़ी क्या होता है, मस्कुलर राइज्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे फेरिंग्स पे इसके पास प्रेजेंट होते हैं दो बल्ब्स, एक ही आता है इसका मीडियन बल्ब और एक होता है इसका बेसल बल्ब, ठीक है। देन फिर शुरू हो जाता है इसका ये इंटेस्टाइन का पार्ट, और फाइनली कहाँ पे एंड हो जाता है, रेक्टम में, और रेक्टम फाइनली ओपन किससे हो जाता है, एनस से, ठीक है। बट इन मेल्स में क्या होगा कि जो रेक्टम है
वो ज्वाइन कर जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, इसलिए वहाँ पे वो किसकी फॉर्मेशन कर देगा, क्लोका की। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ओपनिंग फीमेल की अलग होगी, वो वल्वा से होगी, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है वो एनस से होगी। बट इन केस ऑफ मेल इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये जो आपको पर्पल कलर का नज़र आ रहा है, प्लस ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इन दोनों की एक ही कॉमन ओपनिंग होगी, और उस कॉमन ओपनिंग को हम क्या नाम देंगे, क्लोका। ठीक है, और फीमेल्स में क्या होगा, जो रेक्टम है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, वो किसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ अटैच नहीं होगा, इसलिए उसकी ओपनिंग का क्या नाम होगा, एनस। ठीक है, देन माउथ इनका कैसे रहता है, मोस्टली टर्मिनल रहता है, और माउथ को सराउंड करने के लिए मोस्टली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टू पेयर जब फोर लिप्स के होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और उन लिप्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके सेंसरी ऑर्गन्स। देन रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी जो ऑर्गन्स हैं वो इनके कंडीशन पे क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। जो रेस्पायरेशन है वो मोस्टली थ्रू होगी कैसे, इनके जनरल बॉडी सरफेस होगी। बट इस पे भी वेरिएशन ये आएगी, जो इनके फ्री लिविंग फॉर्म्स होंगी वो एरोबिक रेस्पायरेशन परफॉर्म करेंगे, और जो इनकी एनएरोबिक मतलब जो इनकी पैरासिटिक फॉर्म होगी वो मोस्टली एनएरोबिक से क्या करेंगे, रेस्पायरेशन करेंगे। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका उतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होगा, कुछ के कंडीशंस पे आप कह सकते हो लेटरल कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं, और कुछ के कंडीशंस पे रेनेट सेल्स जो होते हैं वो इनके फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट का। ठीक है, नर्वस सिस्टम भी इनकी पूरी तरह से आप कह सकते हो डेवलप्ड नहीं होता। नर्वस सिस्टम जैसे हमने कहा था कि ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन की जगह इनके पास प्रेजेंट होता है कि एक नर्व रिंग। ठीक है, और वो नर्व रिंग इनकी प्रेजेंट होती है कहाँ पे, इनके ये फेरिंग्स वाले रीजन पे। ये जो आपको रेड कलर का सर्कल या रिंग नज़र आ रही है, ये होता है इसका नर्व रिंग, ये इसके नर्वस सिस्टम की क्या करती है, एक्ट करती है। ये आप कह सकते हो कि नर्व रिंग इक्वलेंट टू इसका क्या होगा, ब्रेन ऑफ द निमेटोड्स। ठीक है, सेंस ऑर्गन जो हमने कहा कि सेंस ऑर्गन या सेंसरी ऑर्गन इनके पास प्रेजेंट होंगे, और वो प्रेजेंट होते हैं एक तो उनके माउथ रीजन पे, और एक प्रेजेंट होते हैं इनके एनल रीजन, या आप कह सकते हो इनके पोस्ट एनल, इनके एनल से पीछे जो टेल रीजन होगा वहाँ पे क्या होंगे, वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो तो इनके माउथ रीजन पे प्रेजेंट होंगे वो होते हैं इनके एम्फिड्स। आप अगर इस डायग्राम पे देखो, ये जो छोटी सी एलिवेशन आपको नज़र आ रही है, ये होती है इसकी एम्फिड कैनाल, और इधर बेस पे इनके क्या प्रेजेंट होते हैं, एम्फिड। ठीक है, और ये एम्फिड एक्ट करते हैं एज ए ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, मतलब कोई भी इनको स्मेल करना हो तो ये उसको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, और जो फैजमिड है वो प्रेजेंट, अगर ये इसका एनल है और एनस है, और एनस के पीछे वाले जो पार्ट है उसको हम पोस्ट एनल या टेल कह रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसके ये फैजमिड के स्ट्रक्चर, और ये होते हैं कि इसके कैमो रिसेप्टर फंक्शन, मतलब कोई भी केमिकल रिस्पॉन्स होगा वो ये सेंसरी ऑर्गन क्या करेंगे, सेंस करेंगे। ठीक है, देन मोस्टली निमेटोड्स कैसे होते हैं, यूनिसेक्चुअल, मतलब इस पर मेल और फीमेल दोनों के होंगे, अलग होंगे। मैनी जो होते हैं निमेटोड्स वो क्या शो करते हैं, सेक्चुअली डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, डाइमॉर्फिक आप कह सकते हो, जो डाइमॉर्फिज्म वो हो गया, वो करेक्टरिस्टिक जिसको आप एक्सटर्नली देख के डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये इंडिविजुअल मेल है और ये इंडिविजुअल क्या है, फीमेल है। ठीक है, अब जैसे आप इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स ले रहे हो, तो आपके सामने अगर दो इंडिविजुअल हो तो आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि विच वन इज़ मेल और विच वन इज़ फीमेल। ठीक है, क्योंकि उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स मेल या फीमेल के ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली देख के कह सकते हो कि हाँ भाई, ये करेक्टरिस्टिक हमेशा फीमेल में ही होंगे और ये करेक्टरिस्टिक हमेशा मेल में ही होंगे, तो आप दो इंडिविजुअल को बड़े ईजी ढंग से क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट। ठीक है, इसी तरह से निमेटोड्स पे भी हम, जो इनके इंडिविजुअल काफ़ी स्मॉल साइज है, उनको भी हम एक्सटर्नली देख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा मेल इनका, सॉरी कौन सा इंडिविजुअल इनका मेल है और कौन सा इंडिविजुअल इनका फीमेल है। ठीक है, और वो कैसे डिफरेंशिएशन होती है कि फर्स्ट जो मेल्स होते हैं वो होते हैं स्मॉलर इन साइज, और फीमेल्स क्या होती हैं, क्या लार्जर इन साइज। ठीक है, देन जो इनका मोस्टली जो एंड होगा वो क्या रहेगा, इनका पोस्टीरियर एंड क्या रहेगा, कर्व्ड रहेगा। क्लोका प्रेजेंट होगा और कॉपुलेटिव स्क्यूल प्रेजेंट होगा, किसके केसेस पे, इन केस ऑफ जो मेल्स होंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये मेल का पोस्टीरियर एंड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे स्पिक्यूल, स्पिक्यूल आप कह सकते हो जिस तरह से
पेनिस का स्ट्रक्चर है जो आप कह सकते हो गैमेट्स को या स्पर्म को इंजेक्ट करने के लिए यूज़ होता है फीमेल के जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। तो इनके कंडीशन में ये स्क्यूल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जो इस क्लोका से बाहर की तरफ निकल के जो क्या करेगा स्पर्म को क्या करेगा ट्रांसफर करेगा, ठीक है। देन इस प्रोसेस को असिस्ट करने के लिए इनके पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्या बरसा। ये एक थिन आप कह सकते हो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या कहते हैं एक सक्शन की तरह क्या कहते हैं रोल प्ले करता है। ये जो बरसा होगा ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन को आप कह सकते हैं सक्शन की तरह होल्ड करके रखेगा, और तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक स्क्यूल यहाँ से क्लोका से बाहर आके अपने स्पर्म को जो ट्रांसफर उस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे ट्रांसफर नहीं कर देता, ठीक है। इट मीन्स आप कह सकते हो जो बरसा का स्ट्रक्चर है वो इस कॉपुलेशन के प्रोसेस पे इनकी क्या करेगा हेल्प करेगा, ठीक है। देन मोस्टली तो हमने कहा कि निमेटोड्स कैसे होंगे यूनिसेक्सुअल होंगे, बट कुछ निमेटोड्स कैसे होंगे हर्मोफ्रोडाइट कि एक इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। इसमें मोस्टली एग्जाम्पल आई थिंक सी एलिगेंस की आ जाती है सिनोरेब्राइटिस की। फर्टिलाइजेशन इनके कंडीशन में कैसे होगी इंटरनल होगी, ठीक है। और अगर हम कि मेन एग्जाम्पल की बात करें जैसे वचेरिया हो गया लोया हो गया एस्कारिज हो गया एनसाइलोस्टोमा जो है वो इसके क्या आते हैं मेंबर्स आते हैं, ठीक है। ये आपके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्कलमेंथिस या निमाथेलमेंथिस या निमेटोडा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।